इस बार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 किलोग्राम एंड डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज सस्टेंडेड टू द स्प्रिंग ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, 0.5 किलोग्राम का ब्लॉक जिसका डेंसिटी 800 केजी पर मीटर की, द एंटायर सिस्टम इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, एंटायर सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम पानी में ब्लॉक है। फाइंड द इलॉन्गेशन या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो इलॉन्गेशन या कंप्रेशन बताइए, पूरा सिस्टम तो डूब ले। देख लीजिए वजन तो हो गया वेट बराबर 0.5 जी का 5 न्यूटन, जी का मान 10, बायंसी बराबर डूबा हुआ भाग का वॉल्यूम, मास बटा डेंसिटी बराबर वॉल्यूम, और जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी गुना जी, एक दो अगर 10 इसमें चला जाएगा तो 50 में वेट 5 न्यूटन, अब बायंसी है 50 में, इसका मतलब कंप्रेशन है, 0.5 किलोग्राम का वेट 5 न्यूटन, अब बायंसी बराबर डूबा हुआ भाग का वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास वाई डेंसिटी, और जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी पानी में डूबा हुआ होने जिनका मान 10 मान के बना रहे हम लोग, तो अगर 50 न्यूटन इसका मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन तो फोर्स कितना 5 लेट हुआ बायंसी 50, तो 45 बराबर के एक्स बराबर 45 बटा के का मान 50 बराबर 0.9। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन हो गया, बायंसी हो गया हमारा कितना 0.5 भागे, अच्छा 8 नहीं काम किया, 8 ही तो होगा, 8 छूट गया, 50 बटा 8, 50/8 का मतलब 25/4, 25/8 का मतलब 12.5/2, 12.5 का मतलब 6.25, तो 6.25 में 5 घटेगा तो 1.25, तो x बराबर आ जाएगा 1.25/k का मान 50, तो 125/50 पर 00, तो 25 अपर 0.025 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। सवाल है कि द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज स्लाइटली डिक्रीज इन रिलीज, जब इसको हल्का सा दबा करके छोड़ा जाएगा तो इसका टाइम पीरियड बताओ, जब इसको हल्का सा दबा करके छोड़ें, इसको हल्का सा दबा करके छोड़ेंगे तो इसको दबाने से कौन सी बायंसी फोर्स का थोड़े काम करेगा, पूरा का पूरा तो पानी में डूब लेता पहले से, अब जब थोड़े की थोड़ा सा और दबा देंगे तो थोड़ा सा और पानी में डूब जाएगा, तो डूबा होगी तो बायंसी की तरफ से कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं करेगा। तो अगर हम इसको एक्स हल्का सा अगर ऐसे दबा भी देते हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स सिर्फ के एक्स लगेगी, तो सिंपल होगा के एक्स बराबर मास एक्सीलरेशन। अब इस कहानी तो आप जानते हैं कि पी बराबर 2π अंडर रूट एम बाई के हो जाता है, 2π अंडर रूट एम बटा के बराबर 2π अंडर रूट 1/100, तो 10 बराबर पाई बटा 5, तो पाई बटा 5 कर लेते हैं। पाई
0.628 पाई बटा पांच ही दिया, पाई बटा पांच। ऐसा आप जानते होंगे जब कोई स्प्रिंग सिस्टम में kx बराबर ma लगे तो t बराबर 2 पाई इनटू रूट m बाय k, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पता है इसके बाद। पढ़ते हैं 25 नंबर सवाल। देखो एक क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज 4 सेंटीमीटर, एक बर्फ का टुकड़ा जो घन के आकार का, क्यूब के आकार का, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल ग्लास, एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, बेलनाकार ग्लास में 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब रखा गया, 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका पूरा का पूरा डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग दैट आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच साइड सो दैट इट ऑलवेज रिटेन्स इट्स क्यूबिकल शेप, ये बर्फ पिघलना शुरू होता है और पिघलने के दौरान जैसे तैसे नहीं पिघल रहा है, ये पिघल रहा है चारों तरफ से एक जैसा और ये हमेशा घन के रूप में ही है, हमेशा इसका साइज एक क्यूब के रूप में ही है, एकदम चारों तरफ से पिघल रहा है, इसका साइज हमेशा क्यूब के रूप में ही। Remembering that ice is lighter than water, ध्यान देना चाहिए कि आइस जो है पानी से हल्का है। Find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. Find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुआ, तो बर्फ का साइज छोटा हुआ, बर्फ पिघलना शुरू का साइज छोटा हो गया, तो ये बर्फ पिघला तो पानी रहा बन गया। बर्फ पिघलते जा रहा, पानी बनते जा रहा, पानी बनते जा रहा, एक समय ऐसा हुआ कि एकदम बर्फ कॉन्टेक्ट छोड़ने छोड़ने वाला है। अभी तो बर्फ रखा हुआ है सिलेंडर के नीचे वाले सरफेस पर, जैसे ही बर्फ पिघल के पानी बना तो पानी तो बांछी फोर्स लगाएगा, इस कारण से क्या होगा एकदम जस्ट कॉन्टेक्ट छोड़ने वाला है जस्ट। मान लो कि यहां तक पानी आया सरफेस से इतना ऊंचा, एकदम कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है कि एकदम सरफेस अभी टच में ही है, इस सरफेस जो बर्फ का निचला सरफेस है टच में है, लेकिन एकदम लग सिर्फ टच में, कोई वजन नहीं पड़ रहा होगा, इसमें क्या है किसका वजन पड़ रहा है इसके सरफेस पर, इसमें किसका जो वजन है इसके सरफेस पर नहीं पड़ रहा, जस्ट देखने में लग रहा है कि टच में। ऐसा ही हालत है जिसे समझो कि जब कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरता है फ्री फॉल, एकदम जी के मान से गिरता हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कोई लिफ्ट चल रहा अचानक रस्सी टूट जाए उसमें एक आदमी हो तो लगता है कि आदमी लिफ्ट में ही आ रहा है, लेकिन आदमी का वजन लिफ्ट पर काम नहीं करता, बस वही नहीं समझ कि बर्फ का टुकड़ा लग रहा है कि सतह पर रखा हुआ है लेकिन वजन इस प्रकार लग नहीं रहा है, एकदम जस्ट कॉन्टेक्ट छूटने वाला है। उसमें बताओ इसका भुजा का लंबाई क्या है, तो मान लो कि भुजा का लंबाई इसका एक्स है और इसमें पानी एच हाइट तक उठा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि ये तो हो गया वॉल्यूम बर्फ का, गुणे बर्फ का डेंसिटी 0.9 पता है सीजीएस में, अब गुणे जी एक वजन हो गया बराबर बुआंसी, बुआंसी तो बुआंसी फोर्स बराबर बर्फ के डूबे हुए भाग का आयतन, बर्फ के डूबे हुए भाग का आयतन जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी गुणे जी, तो पानी में डूबा तो पानी का डेंसिटी गुणे जी, जी जी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स बराबर 0.8/0.9 या बोलिए एच बराबर 0.9x जो समझना। हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए, एक्स एक्स तो तब ना निकलेगा जब एच निकलेगा, तो एक्स समीकरण से दो मान तो निकल नहीं सकता, एक्स समीकरण को और चाहिए, देखते हैं बर्फ का बर्फ पिघल के बना बर्फ और पानी, पहले पूरा पूरा बर्फ था भाई बर्फ और पानी, तो इसका मास आइस का मास बराबर होना चाहिए, इसके इस बर्फ का टुकड़ा का जितना मास है यही बर्फ पिघल के पानी बना, तो पानी और बर्फ दोनों का मास जोड़ेंगे इसका मास बराबर होना चाहिए,
बर्फ है, तो बर्फ का जितना मास है मास, और यही बर्फ पिघल के कुछ पानी बना, कुछ बर्फ में ही है भी, लेकिन इसका मास तो बराबर होना चाहिए, मास बराबर होगा तो बहुत। हाँ कितना, मतलब ये समझाते हैं कि इसे जो है इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, तो आयतन वाला कहानी सही, आयतन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मास, आप कोई बर्फ का टुकड़ा है उसको तोड़ लीजिए कितना है, अब बर्फ को पिघल लिया है तो मास तो समय रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आयतन उधर कुछ ज्यादा हो जाए कम हो जाए जमने से उसके पिघलने से, आयतन इधर उधर हो सकता है लेकिन वजन में थोड़े ना अंतर पड़ेगा मास में, इसे लोग मास बोलेंगे बराबर, इसका मास बराबर है। तो इसका मास बराबर, इसका मास बोलिए, वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास बराबर, उधर वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास, ये होगा बर्फ का मास और पानी का मास। तो पानी का मास किसे निकलेगा, तो पानी का आयतन, पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस एक्स स्क्वायर एच, पानी का आयतन पहले पूरा यहां तक निकाल दिए पाई आर स्क्वायर एच, बीच में तो बर्फा है जगह छेद ले एक्स स्क्वायर एच, तो पानी का आयतन नहीं हुआ, अब बोले पानी का डेंसिटी, बोले पानी का डेंसिटी हो गया मास, तो 64 - x³ 0.9 बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एच, और एच का मान 0.9x, सब चल रहा है सी चीज में, तो 64 * 0.9 - 0.9x³ बराबर पाई आर स्क्वायर का मान 9 और गुने 0.9x माइनस 0.9x³ माइनस 0.9x³, तो 0.9x³ से 0.9x³ कैंसिल, तो ये बच गया 64 * 0.9 / पाई गुना 9 * 0.9 बराबर एक्स, तो 64 / 9 पाई, हम लोग कर लेते हैं 64 / 9 पाई, जगह 2.26, एक्स का मान आएगा 2.26 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर, 26 में। यू ट्यूब कंटेनिंग ए लिक्विड, एक यू ट्यूब है कंटेनिंग ए लिक्विड, एक यू ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, चल रहा है ए नॉट एक्सीलरेशन, इफ द सेपरेशन बिटवीन द वर्टिकल लिम्स इज एल, यहां से यहां का दूरी एल है, फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्क्स, इसके लेवल में कितना अंतर है, जब चलेगा ना इधर एसीलरेशन से, तो ई जो इतना पानी की मात्रा है जो मेन इसमें, ये जो पानी की मात्रा है यहां से यहां तक देखा जाए तो ई इधर है, स्यूडो फोर्स मारेगा, ई भी स्यूडो फोर्स मारेगा तो दीवाले का, ई स्यूडो फोर्स मारेगा दीवार पर, लेकिन ई जो नीचे स्यूडो फोर्स मारेगा वो इधर फोर्स मारेगा,
अच्छा इसके अंदर में कितना लिक्विड है? बोले एल इन टू लंबाई है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है मान लो, तो लंबाई गुना एरिया बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास, अब मास गुना ए नॉट बराबर स्यूडो फोर्स, अ स्यूडो फोर्स बाय एरिया बराबर प्रेशर, अ प्रेशर बराबर रो जी एच, हाइट का लेंथ तो रो से रो और ए से ए कैंसिल, यहां से एच का मान आ जाएगा एल ए नॉट बाई जी, एल ए नॉट बाई जी। ईएम के में भी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ, स्यूडो फोर्स बाय एल इन पे वॉल्यूम पानी का, जी रो से गुणा करें तो मास, मास गुणा से सुन लो स्यूडो फोर्स, फोर्स में एरिया और प्रेशर, प्रेशर रो जी एच, पानी का लेवल चढ़ जाएगा थोड़ा ऊपर, जब भी चलेगा एक्सेलरेशन से चलेगा ऊपर, आई गिरेगा हल्का सा नीचे, तो बताओ कि लेवल का अंतर कितना है एच, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो रो जी एच, जो प्रेशर को बैलेंस दे रहा है रो जी एच, यहां से निकाल के प्रेशर स्यूडो फोर्स सूत्र लगने वाला बराबर रो जी एच। करा एंड देवप्रयाग गढ़वाल यूपी में, यूपी में है गढ़वाल कोई जगह होगा वहां पर देवप्रयाग है, रिवर अलकनंदा मिक्स विद रिवर भागीरथी, एक अलकनंदा नदी आई और एक भागीरथी, दोनों नदी मिक्स हुआ अलकनंदा और भागीरथी एंड बिकम्स रिवर गंगा और बन गई गंगा। सपोज अलकनंदा है ये 22-12 मीटर, अलकनंदा की चौड़ाई 12 मीटर है, भागीरथी है ये 22-8 मीटर एंड गंगा है ये 22-16 मीटर। Assuming the depth of the water is same in the three river, तीनों की गहराई सेम है, लेट एवरेज स्पीड ऑफ द वाटर अलकनंदा 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें पानी का प्रवाह 20 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, भागीरथी में 16 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कि गंगा का स्पीड क्या है, आने वाला लिक्विड बराबर जाने वाला लिक्विड, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आने वाला लिक्विड का डिस्चार्ज बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया कितना लिखा जाएगा 12 गुने डेप्थ, 12 मीटर चौड़ाई है और डी उसकी गहराई है, तो एरिया क्वेश्चन सर कितना होगा डी इंटू 12, एरिया इंटू वेलोसिटी प्लस एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, डी 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 240 और 16 × 8 128 बटे 16 बराबर, तो 368/16 बराबर भी 16×32 और 16×48 23 किलोमीटर बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 28 में, वाटर फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब भरे हुए क्रॉससेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसका क्रॉससेक्शन एरिया वेरिएबल है, यहाँ कुछ क्रॉससेक्शन है यहाँ कुछ क्रॉससेक्शन है, इसका नाम ए है इसका नाम बी, 0.94 सेंटीमीटर, वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉससेक्शन फिगर, द क्रॉससेक्शन ऑफ ए एंड बी आर 4 mm square, ए पर एरिया 4 mm square और बी पर एरिया 2 mm square है, रेस्पेक्टिवली इफ 1 सीसी ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकेंड थ्रू ए, 1 सीसी पर सेकेंड डिस्चार्ज, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एट ए, स्पीड ऑफ वाटर एट ए बराबर डिस्चार्ज बटे एरिया, 1 cc cm³, 1 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब मतलब -6 m³ पर सेकेंड बटा 4 mm² तो माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 0.25 m/s 25 cm/s
अगला है कि 10 पीलो बाटेलाइट है, 10 पीलो बाटेलाइट भी, 10 पीलो बाटेलाइट भी यहाँ का डिस्चार्ज अगर वहाँ का डिस्चार्ज, तो यहाँ 25 तो वहाँ 50, 25 चौका 100 तो 50 दूनी 100, वेलोसिटी यहाँ पर आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का और एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का बराबर होना चाहिए, यहाँ का एरिया 4 और ये 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 25 चौका 100 आना चाहिए, 50 दूनी 100 आना चाहिए, एरिया आधा वेलोसिटी दूना। द प्रेशर डिफरेंस पी ए एंड पी बी हमें बताना है कि पी ए और पी बी का अंतर क्या है। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। पी प्लस रोजी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर पी प्लस रोजी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर। रो तो ए और बी पर बराबर हुआ, लिख रहे कैसे, एच ए और एच बी भी बराबर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप, तो कहीं भी ग्राउंड होगा तो ग्राउंड से बी का सेक्शन और ग्राउंड से ए का सेक्शन का सेंटर एक ही जगह पर होगा, तो पी ए माइनस पी बी हाफ रो कॉमन वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हाफ रो कॉमन वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी वी स्क्वायर 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर माने 0.5 का स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये वी वी स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर, वी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर का 0.25 का स्क्वायर, तो 25 गुणे 25 625 और ये जवाब समझ लो 0.0625। और अगर पानी का डेंसिटी के बारे में बात करें तो पानी का डेंसिटी देख ले लेते हैं, तो 1000/2500 गुने, तो 500 में गुना करेंगे 0.25 माइनस 0.0625, में मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 माइनस 0.0625 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो लगभग लगभग आ गया 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये का क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। इसी में 29 भी है, ध्यान से समझिए, कुछ चीजें सिर्फ चेंज होना है 29 में, कहीं कट नहीं रहा है तो देखिए 29 वाले सवाल में क्या है कि ये जो आपका सिलेंडर है इसे रखा हुआ, इसके बारे में कहा जा रहा है 0.94 सेंटीमीटर लंबा था, इसके बारे में कहा जाए 29 नंबर सवाल में क्या भी सेक्शन कुछ ऐसे रखा गया है, यहाँ ए एरिया 4 एम एम स्क्वायर, यहाँ बी एरिया 2 एम एम स्क्वायर, यहाँ से पानी इंटर किया था 1 cc पर सेकेंड, तो यहाँ से ही पानी निकलेगा 1 cc पर सेकेंड, डिस्चार्ज सेम होगा, तो यहाँ वेलोसिटी आया था 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ वेलोसिटी आया था हम लोग का 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, यहाँ दिक्कत है पी ए माइनस पी बी निकालने में। अभी क्या था कि रोजी एच ए और रोजी एच बी को काट दिए थे, अभी रोजी एच ए रोजी एच बी कटेगा नहीं क्योंकि उसमें पाइप हॉरिजेंटल था, तो हॉरिजेंटल था तो ग्राउंड से एच ए और एच बी दोनों का लेवल सेम था, ऐसे था पाइप इस बार, अभी
तो ग्राउंड के लेवल से दोनों का हाइट लगभग सेम था ही, सेंटर का सेंटर ले जाता है। तो इसमें क्या है कि एच ए ज्यादा है एच बी कम, तो इसके साथ साथ हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर जो कुछ भी हो रहा है पी ए माइनस पी बी बराबर हाफ रो वी बी स्क्वायर और हाफ रो वी ए स्क्वायर हुआ। तो वी स्क्वायर 25 का उसका 25 सेंटीमीटर था वो यहाँ वही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रो रो जी एक और होगा एच बी माइनस एच ए, एक और डिटेल उसमें एच बी माइनस एच ए। तो चलो इसका मान तुम ला के रखे हुए अगर इसका सोल्व करना बचा तो 10 to the power 3 और जी का मान के बारे में कुछ चर्चा है ही नहीं, 10 10 तो जी का मान 10 एच बी माइनस एच ए एच बी माइनस एच ए, यहाँ तो एच ए ज्यादा एच बी कम तो माइनस में आएगा। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है 15/16 centimeter ये दिया गया है 15/16 centimeter, कहने का मतलब वही 0.94 centimeter। तो 15/16 centimeter तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 15/16 centimeter में इसको बताना पड़ेगा मीटर में, तो 100 से 4 करना पड़ेगा तो सेंटीमीटर हो गया मीटर में। तो 3 और 1 4 0, 4 0 में 2 0 कट ही गया तो बाकी बचा यहाँ 2 0, तो ऊपर हो गया 1500 1500/16, तो 93.75 में घटेगा 1500/16, क्योंकि 2 0 से 2 0 कटे बाकी 2 0 बचेगा, तो 1500/16 कर लेते हैं पहले। सवाल में क्या है, बी ऊपर है और ए नीचे, बी ऊपर और ए नीचे, बी ऊपर और ए नीचे, वाटर एंटर्स थ्रू बी एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर वही सवाल यहां से पानी एंटर किया 1 cc per second, इसका एरिया 2 mm² है, इसका एरिया 4 mm² है, यहां से पानी निकलेगा 1 cc per second, यहां पर स्पीड होगा 25 meter per second, 25 cm per second, यहां पर स्पीड होगा 50 cm per second, नहीं यहां पर होगा 50 cm per second, यहां होगा 25 cm, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, सब कुछ कहानी से। अब इस कहानी में क्या होगा कि एच बी माइनस एच ए का मान प्लस में लिखा है, यहाँ प्लस करो, यहाँ पर प्लस करो, अभी कटेगा नहीं, 93.75 दो बार जुटेगा, ये तो 93.75 आया ही, अब वही 93.75 आया था, अभी तरह करके जीरो आया था, तो 93.75 और 93.75 दो बार ऐड हो जाएगा, 2 × 93.75 तो आपका आंसर आ जाएगा 187.5, 188 के आसपास आ रहा है, तो लगभग लगभग 188 newton per meter square। 93 को 94 समझिए, सही आंसर में 93.75 पर 94 लिखा, तो 94 दो बार, 188 newton per meter square। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर।